तुम समस्त वीडियो को स्वागत। पूर्व वीडियो रे आमे आम दैनंदिन जीवन में संलग्न आकृति गुड़िकर क्षेत्रफल उपरे आधारित एक उदाहरण देखिले। आज संलग्न आकृति गुड़िकर परिधि उपरे आधारित मजालिया उदाहरण देखिबा। देखा जाउथिबा आकृति रे गोटिए आयत क्षेत्र वो अर्धवृत्त अछि। आयत क्षेत्रर दैर्घ्य 280 मिलीमीटर एवं प्रस्थ 18 सेंटीमीटर अटे। तुम्हें देखिपारुथिबो जे एठारे दुई एकक मिलीमीटर एवं सेंटीमीटर व्यवहार होइछि। तेणु आसो एगुडीकु समान एकक अर्थात सेंटीमीटर रे परिवर्तन करिबा। तुम्हें कौन एही प्रक्रिया रे 280 मिलीमीटर को सेंटीमीटर रे बदलाइ पारिबो? सबास एहा 28 सेंटीमीटर हेबो। अतएव आयत क्षेत्रर दैर्घ्य 28 सेंटीमीटर एवं प्रस्थ 18 सेंटीमीटर हेबो। चित्र रे तुम्हें देखि पारुथिबो जे अर्धवृत्तर व्यास आयत क्षेत्रर प्रस्थ सह समान हेबो। आमे जानिछे जे आयत क्षेत्रर विपरीत बाहुगुडिकर मूल्य समान होइथा। आमे देखि पारुछे जे हळदिया आकारटी एही प्रकार अटे। शीर्ष बिंदु को ए बी सी ओ डी नाम दियो। देखा जाइथिबा आकृतिर परिधि बाहु ए बी बी सी सी डी एवं डी ए रो मूल्यर समिष्टि हेबो। आमको ए बी बी सी एवं सी डी रो मूल्य जणा अछि, किंतु अर्धवृत्तर परिधि किपरि निर्णय करिबा? साभास अर्धवृत्त डी ए रो परिधि वृत्तर परिधिरु निर्णय करा जाई पारिबो। एठारे व्यासार्ध 14 सेंटीमीटर अटे। आमे देखि पारुछे जे अर्धवृत्त डी ए रो परिधि वृत्तर परिधि 2 × π × व्यासार्धर अधा हेबो। आसो एबे पाइ ओ व्यासार्धर मूल्य रखिबा। एबे परिधि निर्णय करिबा। बाहु एवं अर्धवृत्तर परिधिर मूल्य रखिबा द्वारा अतएव हळदिया आकृतिर परिधिर मूल्य 108 सेंटीमीटर अटे। एही वीडियो रे आज आमे संलग्न आकृति गुडिकर परिधि उपरे आधारित एक मजालिया उदाहरण देखिले।